ऑल राइट गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे पास जीवो का फ़ोन आया है, उसमें हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम है। आप यहाँ पे देख लीजिए, कभी कभी 15-20 मिनट तक इसको रखते हैं फ़ोन को, तो फिर कभी कभी ऑन हो जाता है, और कभी कभी इस तरीके की इसमें हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम आ जाती है। तो उस केस में हमारी क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हम इसको बैटरी को निकाल के फिर हम रिकवरी मोड में ला के इसको फॉर्मेट करने की कोशिश किया था, लेकिन हो नहीं रहा है। तो अभी हम इसको फ़ोन को ओपन करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इसमें किस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको कुछ इस तरीके से जानकारी होनी चाहिए, तो आपके पास भी कोई ऐसा फ़ोन आएगा तो आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ट्रेसिंग कर पाओगे। तो देख लीजिए, यहाँ पे अभी हम इसको चार्जिंग पे लगाते हैं और देखते हैं कि हमारी चार्जिंग में कितना एम्पियर हमारा फ़ोन ले रहा है। तो देखिए, यहाँ पे एम्पियर भी हमारा प्रॉपर ले रहा है, और देखेंगे कि क्या चार्जिंग का लोगो आता है कि नहीं। तो देखिए, यहाँ पे चार्जिंग का लोगो भी हमारा आ रहा है, और हम फ़ोन को ऑन करते हैं। तो ऑन करते हैं तो मान लीजिए कि हम इसको 4-5 बार बैटरी निकाल के लगाएंगे, तो कभी कभी फ़ोन ऑन हो जाता है, और बाद में क्या हो जाता है पता है कि आप कोई भी की को प्रेस करोगे, आपकी कोई भी की वर्क नहीं करेगी, वही की वही पोजिशन में स्टॉप हो जाता है। तो इस तरह की इस फ़ोन में प्रॉब्लम है। तो अभी हम आपको ठीक करना, कैसे हम इसको ठीक करते हैं वो आपको बताएँगे, तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। तो देखिए, यहाँ तक इसकी प्रोसेस आ चुकी है। तो यहाँ पे जो इसकी लाइनिंग चल रही है, ये बहुत ही स्लो चलने लगती है, या फिर यहाँ पे लोगों पे हैंग हो जाता है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम इस फ़ोन में आ रही है। तो ठीक है, चलिए अब हम इसकी बैटरी को रिमूव करते हैं और फ़ोन को ओपन करते हैं और देखते कि कहाँ इसकी प्रॉब्लम हो सकती है, कंडीशन क्या है। तो देख लीजिए, यहाँ पे इसका नट बोल्ट को मैंने पहले से ही निकाल के रखे है ताकि वीडियो लंबा ना हो सके इसकी वजह से। तो अब हम इसको बाहर निकालते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या किसी ने काम किया हुआ है कि नहीं। तो मेन जो चीज़ हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम आती है, तो पहले आपको एक बार चेक करना है अपने पीसी में कि आपका फ़ोन पोर्ट बनता है कि नहीं, वो पहले एक बार चेक कर लेने का है। अगर पोर्ट बनता है तो एक बार आपको इसको फॉर्मेट करना है, अगर नहीं बनता हो तो आगे हम बताते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे फ़ोन में कुछ इस तरीके की इसमें कंडीशन है। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ही फेस्ट लगा हुआ है, किसी ने पहले काम किया होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो भी यहाँ पे पेस्ट लगा हुआ है, पेस्ट को हम सही से क्लीन करेंगे। उसके बाद हमें क्या देखना है, पहले देखिए हमारा ये जो डायोड देख रहे हो आप, यहाँ पे देखिए सोल्डरिंग पेस्ट भी लगा हुआ है। तो सबसे पहले ये डायोड है, डायोड को आपको सही से चेक करना है। डायोड कैसे चेक करें उसका भी मैंने वीडियो बना दिया है, लेकिन आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले ये जो डायोड्स है, डायोड्स को आपको सही से इसकी वैल्यू चेक करनी है। पेस्ट को क्लीन करने के बाद कोई भी आपके पास फ़ोन आएगा, वहाँ पे पेस्ट लगी होती है, तो उसको सबसे पहले आपको क्लीन आउट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, पावर एसी के बाजू में चेक करना है कि वाटर डैमेज है कि नहीं। अगर वाटर डैमेज नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तो आपको कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है। और यहाँ पे देखिए, मुझे बहुत ही यहाँ पे डस्ट दिखाई दे रहा है, और MMC के ऊपर आपको सीधा कोई भी हीट या वगैरह कुछ देना नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा PC के साथ पोर्ट बनता है कि नहीं। ये हमारा क्वालकॉम का CPU है इसमें, तो अभी हमारे पास UMT से हम इसको चेक करेंगे, फॉर्मेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रिकवरी मोड में हमारा फ़ोन नहीं हो रहा था। तो देखिए, अब सबसे पहले हम डायोड को चेक करते हैं। तो हमारा डायोड यहाँ पे ओके दिखा रहा है, और पावर एसी के बाजू में जो हमारा कैपेसिटर है, उसको एक दो कैपेसिटर को चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पे कोई शॉर्टिंग वगैरह कुछ है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं आ रही है, कंपोनेंट्स कोई भी सब कुछ ठीक ही है। तो हमें और भी कहीं IC वगैरह में काम नहीं करना है। सबसे पहले इन जो सेक्शन है, यहाँ पर किसी ने काम किया हुआ है पहले भी, तो अभी हम इसको कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो भी पेस्ट लगा होता है, उन पेस्ट को हम सही से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद हम पोर्ट बनाएंगे कि देखेंगे कि हमारा पोर्ट बनता है कि नहीं। अगर पोर्ट नहीं बनता है तो हम आगे और बताएंगे कि हमें पावर पे या फिर CPU प्रॉब्लम हो सकता है, बॉस ड्राई हो गई होगी, या फिर वाटर डैमेज में फ़ोन होगा। तो सबसे पहले हम इसकी क्लीनिंग सही से कर लेते हैं। तो देखा कि हमने यहाँ पे जो भी पेस्ट हमारी लगी हुई थी, उन पेस्ट को हमने सही से क्लीन कर दिया है। और अभी हम इसको PC के साथ कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा पोर्ट बनता है कि नहीं। पोर्ट बनता होगा तो हम एक बार इसको फॉर्मेट कर लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए क्यूसी फायर हमने ओपन कर दिया है, रीड ऑन टूल पे जाएंगे और यहाँ पे हमें क्वालकॉम ही रखे है और मॉडल भी एनी मॉडल हमने सिलेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे अभी हम फॉर्मेट एफएक्स पे जाएंगे और यहाँ पे इसके ऊपर प्रेस करेंगे। तो हमने यहाँ पे प्रेस कर दिया है और यहाँ पे इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो देखिए, तो अभी हम इसकी रिकवरी मोड में लाएंगे, इसकी बैटरी को एक बार हमें रिमूव करना है और फिर लगाना है और पावर की हैश की और स्टार की को हम प्रेस करेंगे और यहाँ पे केबल को कनेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ टाइम वेट करेंगे और देखेंगे हमारा पोर्ट बनता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारा पोर्ट बन चुका है और हम इसको थोड़ी देर वेट करेंगे और हमारा फ़ोन ऑटोमेटिकली ऑन होता है कि नहीं, हमारा फ़ोन रिस्टार्ट हो रहा है, फॉर्मेट हो जाएगा और देखेंगे। अगर ये ट्राई आपने कर लिया उसके बाद भी आपका जो वही का वही प्रॉब्लम है हैंग ऑन लोगों का, तो आपको डायोड को चेंज करना है। डायोड चेंज करने से भी नहीं होता है तो फिर आपको MMC को एक बार हल्का सा पेस्ट मार के हीट देना है और हल्का सा मूवमेंट करवाना है, वही प्रोसेस आपको करनी है। तो सबसे पहले ये चीज़ आपको चेक कर लेनी है हैंग ऑन लोगों में। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारा प्रोसेस अभी कम्प्लीट हो रहा है। तो अभी हम यहाँ पे FRK का भी बोल रहे हैं तो हम इसको भी यस कर देते हैं क्योंकि इसमें कोई ज़रूरत है नहीं, फिर भी हमने यहाँ पे यस कर दिया है। और देखिए अभी हमारा यहाँ पे फ़ोन कम्प्लीटली फॉर्मेट हो चुका है और अभी हम इसको वेट करेंगे थोड़ी देर और आपको चेक करवाएंगे कि हमारा फ़ोन में जो हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम थी वो ठीक हुई है कि नहीं। तो देखिए अभी थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि हमने इसको फॉर्मेट किया है, इसकी वजह से फॉर्मेट भी हमने यहाँ पे UMT से ही कर लिया है क्योंकि क्वालकॉम का CPU है इसमें और एनी मॉडल हमने इसको सिलेक्ट कर दिया है। तो हमने इसको हमारा फॉर्मेट नहीं हो रहा था, पहले हमने ट्राई किया स्टार की और इसका जो रिकवरी मोड होता है वही हमने प्रेस करके किया तो हमारा नहीं हो रहा था, रिकवरी मोड में जा ही नहीं रहा था फ़ोन पहले। लेकिन अभी हमने इसको UMT डोंगल से किया है और चेक करते हैं कि क्या हमारी प्रॉब्लम जो भी थी वो ठीक होती है कि नहीं। तो मैंने बताया कि आपको इससे भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी तो आपको बताया कि आपको MMC के ऊपर थोड़ा पेस्ट लगा कि इसको थोड़ा मूवमेंट करवाना है या फिर चार्जिंग सेक्शन में आपको जो डायोड है उसको आपको सही से चेक करना है, आपकी जो भी यंग उन लोगों की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। तो देख लीजिए यहाँ पे अभी हमारी थोड़ी टाइम लग गया है और भी क्योंकि हमने इसको फॉर्मेट किया इसकी वजह से थोड़ा टाइम लग सकता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। तो मैंने आपको थोड़ा सिंपल मेथड में समझाया कि आपके पास भी कोई ऐसा फ़ोन आएगा इसमें हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम है तो कुछ आपको इस तरीके से स्टेप को फॉलो करना है। तो यार दोस्तों आपने इसके बारे में सब कुछ समझ लिया होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको UMD से किया, हमारा क्वालकॉम का CPU है इसकी वजह से हमने क्वालकॉम का एनी मॉडल रख दिया था। तो आज के लिए बस इतना ही था, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।